हमारे बिहार सरकार में अनपढ़ गवार सरकार बने हुए हैं। जो बिहार में शिक्षक नियमावली 2023 सरकार द्वारा लाई गई है, ये सरासर गलत नियमावली है। और जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मान लेती है, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। सड़क से और सदन तक सरकार की चूल हिला कर रख देंगे। अभी हमारे शिक्षक उबाल में है, गेट भी उखाड़ना होगा तो हम लोग उखाड़ने का काम करेंगे, लेकिन सरकार को घेरेंगे। एक 50 साल का व्यक्ति और एक 20 साल का लड़का दोनों एक साथ कैसे परीक्षा दे सकते हैं? दोनों का IQ एक साथ कैसे हम लोग जो है? जब तक शिक्षक हमको राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, हम शिक्षक को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये झूठी सरकार है, झूठी सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। जो तमाम शिक्षकों को लेकर के 2023 में शिक्षा नीति लागू किया गया है, उसको लेकर के पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर देखिए जमा हो गए हैं। और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इन लोग कह रहे हैं कि जो नियमावली लाए हैं 2023 का, उसको खिलाफ है और राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। देखिए हम बात करते हैं, क्या किस लिए आप लोग इसलिए कर रहे हैं? हम जो बिहार में शिक्षक नियमावली 2023 सरकार द्वारा लाई गई है, ये सरासर गलत नियमावली है। शिक्षक पुराने जो नियोजित शिक्षक है उनके साथ भी धोखा है, एवं नए बहाल होने वाले अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी की गई है। अगर सरकार को एग्जाम ही लेना है तो हम परीक्षा से नहीं डरते हैं, लेकिन अगर परीक्षा लेकर पुराने शिक्षक को, पुराने वेतन को संचित करते हुए अगर सरकार यह काम करती तो हम लोग तैयार थे। लेकिन आज नई नियुक्ति कर रही है पुराने शिक्षकों की, सरासर शिक्षकों के साथ धोखा है। हम लोगों की मांग है कि जो भी पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं, उन्हें बिना किसी परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और वे समंजित करके राज्यकर्मी के दर्जा में शामिल की जाए। और जो नए अभ्यर्थी हैं, इन्हें भी जो टेट पास करके बैठे हैं, इनकी बहाली ली जाए और बिहार से डोमिसाइल नीति को भी बदलना चाहिए। इन सारी नीतियों को लेकर हम बिहार सरकार के विपक्ष में खड़े हैं और जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मान लेती है, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। सड़क से और सदन तक सरकार की चूल हिला कर रख देंगे। अभी तो विधान मंडल का सत्र चल रहा है, तो आप लोग घेराव करने के लिए निकल गए हैं कि आपको तो यहीं रोक दिया गया है? हाँ, रोक दिया गया है। हम लोग प्रयास में है, नहीं तो यहाँ जितना भी शक्ति होगा हम लोग अपनी शक्ति लगाएंगे। जरूरत पड़ेगी, अभी हमारे शिक्षक उबाल में है, गेट भी उखाड़ना होगा तो हम लोग उखाड़ने का काम करेंगे, लेकिन सरकार को घेरेंगे। शाम को सारे विधायकों के आवास पर सारे हमारे शिक्षक जाएंगे, उनको भी घेरने का काम करेंगे। उनको वादा देना होगा कि आपके मुद्दा को हम विधानसभा में कल उठाएंगे, अन्यथा उनको सदन हम लोग नहीं जाने देंगे। सदन जाने से भी रोक राजकर्मी का दर्जा देंगे। जी जी नहीं, इसी के लिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं, इसी मांग के लिए हम लोग आए हुए हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा तुम दो, हम लोग सरकार के साथ रहेंगे, अन्यथा हम सरकार के चूल्हे हिलाने के लिए तैयार हैं। जी बोलिए। जी बोल दीजिए। प्लस क्या, किस लिए आप लोग कर? सर, हम लोग राजकर्मी का दर्जा के लिए आज सर लड़ाई में उतरे हुए हैं। जी राजकर्मी का दर्जा? जी जी एकदम। सरकार के तरफ से बोला गया है ना कि आप लोग को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा? नहीं नहीं, वो नहीं, वो दलित तरीके से, दलित सुनियोजित तरीके से आपस में फूट करके वो दलित करना चाहते हैं। वो जब तक हम लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, हम लोग अनवरत लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम बिहार सरकार से ये डिमांड करते हैं, मन करते हैं, मन मिटने के लिए हम, हमारे शिक्षक समाज तैयार है। मानसून सत्र एक तरफ चल रहा है, उसके खिलाफ आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? राजकर्मी का दर्जा, राजकर्मी में समायोजित सरकार को हम लोगों करना होगा हर हाल में। हम लोग ऑलरेडी शिक्षक हैं, हम लोग आज 20 साल से बच्चों के पठन पाठन को संपादित करते आ रहे हैं और आज सरकार को शिक्षक बहाली करनी है, नया शिक्षक बनानी है, तो आप BPSC की एग्जाम ले और जो शिक्षक आज तक नहीं बने हैं उनको एग्जाम लेकर शिक्षक बनाए। और हम सभी जो शिक्षक भाई बहन 20 साल से नौकरी करते हैं, आज 2023 तक आ रहे हैं, सभी आदरणीय शिक्षक भाई बहनों को राजकर्मी का दर्जा सरकार दे और हमें सभी शिक्षक भाइयों भाई बहनों को मान सम्मान तरजीह सरकार बख्शे। यही हमारी मांग है, सरकार से यही हमारी मांग है।
हम लोग सरकार से राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं, राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं। आज 20 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, आज बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हमारा उम्र 50 साल से ऊपर हो गया। आप बताइए, एक 50 साल का व्यक्ति और एक 20 साल का लड़का दोनों एक साथ कैसे परीक्षा दे सकते हैं, दोनों का IQ एक साथ कैसे हम लोग जो है एक साथ उसको जो है मिक्स कर सकते हैं। आप ये सोचने वाली बात है। और आप लोग, मैं अपने तो ठीक ठाक चल रही है सरकार, तो ठीक ठाक चल रही है सरकार, ठीक ठाक नहीं, शिक्षकों के प्रति सरकार ठीक नहीं है, शिक्षकों के प्रति सरकार ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षकों का ईंट से ईंट बना देंगे। जब तक शिक्षक हमको राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, हम शिक्षक को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो बोले है ना सरकार कि आप लोग को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ दे रहे हैं। ये झूठी सरकार है, झूठी सरकार है, कुछ बोलते हैं काम नहीं करते हैं। बोलिए बोलिए, नहीं बोलने से नहीं होता है ना, वो करेंगे लागू तब ना होगा, बोलने से कोई नहीं होता है। डिप्टी सीएम ने वहाँ पर शपथ पत्र दिया था और उसके बावजूद वह कुत्ते की तरह पूछ हिला के चल दिया। कौन? डिप्टी सीएम मूर्ख वो खुद है और शपथ पत्र लिखता है और फिर पीछे हटता है। ऐसे ऐसे हमारे बिहार सरकार में अनपढ़ गवार सरकार बने हुए हैं डिप्टी सीएम। उन्होंने तो रोजगार देने की बात की है सरकार। हम लोगों ने इसलिए सहयोग किया क्योंकि वह बोले थे महागठबंधन में आने से पहले कि हम, हमारी सरकार आएगी तो हम राजकर्मी का दर्जा देंगे नियोजित शिक्षकों को। लेकिन चलिए तो देखिए, भारी की संख्या में पटना में एकजुट हुए हैं और लगातार बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का जो राजकर्मी का दर्जा है वो दिया जाए। तमाम शिक्षक यहाँ एकजुट हुए हैं, देख सकते हैं आप, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पे एकजुट हुए हैं और लगातार बिहार सरकार के नीति के खिलाफ और ये अपनी मांगों को लेकर के अडिग है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देखने शेयर करें, यूट्यूब पे देखें, हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन पटना बिहार से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।